इज वेलकम टू फार्मूला रिविजन सीरीज और ये है पार्ट टू वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला ग्राफ हमें देखना है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है उसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग एंगल डालते हैं वो पाई बाई टू के इंटरवल में डालते हैं, जीरो पाई बाई टू, अगला होगा पाई, नेक्स्ट इज थ्री पाई बाई टू, उसके बाद आने वाला है टू पाई, नेक्स्ट इज फाइव पाई बाई टू, सिमिलरली थ्री पाई, उसके बाद आने वाला है सेवन पाई बाई टू, देन फोर पाई, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में भी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, सिमिलरली माइनस फाइव पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई। ओके, तो ये हो गया हमारा वैल्यूज। और हमें ये पता होना चाहिए जो ग्राफ होता है वो दिखता कैसे है। तो जीरो से स्टार्ट होगा, पाई बाई टू पे एग्जैक्टली वैल्यू वन होगी, उसके बाद पाई पे फिर से जीरो, थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन, टू पाई पे जीरो। और ये जो इंटरवल है ये बार बार खुद को रिपीट करने वाला है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है वन और मिनिमम जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस वन। अब साइन एक्स का ग्राफ करता क्या है, ये वेव टाइप का होता है। यहाँ पे क्या होगा, अब जीरो से टू पाई में जिस टाइप का ग्राफ आया है सेम ग्राफ बार बार खुद को रिपीट करेगा। तो यहाँ से टू पाई से फिर से फाइव पाई बाई टू पे वन, थ्री पाई पे फिर से जीरो, सेवन पाई बाई टू पे माइनस वन, फोर पाई पे फिर से जीरो, इसी तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा एंड सिमिलरली पीछे भी ये बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ हमें याद होना चाहिए कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो यहाँ से हमें दिखा कि ये जो ग्राफ है बेसिकली ये जीरो से टू पाई में जितना आया सेम ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। दिस मीन्स क्या है कि ये जो साइन एक्स फंक्शन है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड कितना है इस फंक्शन का, टू पाई। ओके, नेक्स्ट क्या देखना है हमें, साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब हो रही है। साइन थीटा जीरो कब हो रही है, तो हमें यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू पाई पे, एक्स इज इक्वल टू टू पाई पे, एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई, फोर पाई, माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई। इससे मुझे क्या दिखा कि एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू एन पाई, जहां पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, नेक्स्ट चीज और हमने देखा कि साइन एक्स का जो ग्राफ है कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ये स्मूथ ग्राफ है, पूरा चलता जा रहा है। दिस मीन्स ऐसा कोई भी थीटा नहीं है जहां पे साइन थीटा अनडिफाइंड हो। देयरफॉर वी कैन से दैट डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा। और एक बात हमें याद रखनी है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो देखना मैक्सिमम कहां पे जा सकती है, वन पे, मिनिमम कहां जा सकती है, माइनस वन। दिस मीन्स जो रेंज ऑफ द साइन एक्स होगा वो होगा माइनस वन से वन, रेंज बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से वन के बीच में सारी होती है, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा वो है वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का। कॉस एक्स का ग्राफ दिखता सिमिलर है साइन एक्स के ग्राफ से, बस इनका वैल्यू क्या होता है, पाई बाई टू से डिफरेंस होता है। मतलब क्या है कि अगर मैं लिखूं जीरो ये है, दिस इज पाई बाई टू, अगला वैल्यू इज पाई, अगला वैल्यू इज थ्री पाई बाई टू, इसी तरीके से टू पाई, फाइव पाई बाई टू, देन थ्री पाई, देन सेवन पाई बाई टू, इसी तरीके से वैल्यू चलते जा रही है, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, माइनस फाइव पाई बाई टू, सिमिलरली माइनस थ्री पाई, इस तरीके से वैल्यू चलते जा रही है नेगेटिव में। तो हम लोग देखेंगे कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एग्जैक्टली जीरो पे वैल्यू वन आएगी, उसके बाद ये डिक्रीज करेगी पाई बाई टू पे जीरो, पाई पे माइनस वन, थ्री पाई बाई टू पे फिर से जीरो, टू पाई पे ऐसा। और ये जो ग्राफ आई ये बार बार सेम ग्राफ रिपीट होने वाला है, फिर से ये डिक्रीज करेगा, फिर से वन तक जाएगा, इसी तरीके से बैकवर्ड ऐसा चलता जाएगा। ओके, सो दिस इज लाइक दिस। तो यहाँ पे कर्व थोड़ा खराब हो गया, बस ये इस टाइप का है कुछ। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉस एक्स की जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। देखो वाई एक्सिस के अलोंग इधर जिस टाइप का ग्राफ आ रहा है सिमिलरली सेम टू सेम ग्राफ इधर भी आ रहा है, मतलब दोनों साइड इस टाइप से ये जा रहा है, ठीक है। ओके, सो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो एग्जैक्टली कॉस थीटा के बराबर ही हो जाता है। ओके, अच्छा, और हमने क्या देखा कि ये जो ग्राफ है पीरियोडिक है, बार बार खुद को रिपीट कर रहा है और पीरियड कितना है, टू पाई। सिमिलरली हमने और क्या देखा, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है। तो मैंने देखा पहली वैल्यू पाई बाई टू, फिर थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस फाइव पाई बाई टू, एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो हो रही है।
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, टू एन प्लस वन एक ऑड नंबर है मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई टू, जहां पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो कॉस थीटा अगर कोई जीरो बोल दे और थीटा पूछ ले तो मैं क्या बोलूंगा, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा। कॉस थीटा का जो ग्राफ है कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है, मुझे दिख रहा है ये कंटिन्यूअस ग्राफ है ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा में। ओके, अब रेंज देखो फिर से, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वन, मिनिमम वैल्यू कितना होगा माइनस वन। दिस मीन्स कॉस थीटा का रेंज एंड साइन थीटा का रेंज दोनों सेम होता है। साइन थीटा की वैल्यू जो माइनस वन से वन के बीच में होती है, कॉस थीटा की वैल्यू जो है माइनस वन से वन के बीच में होती है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ भी हमें याद होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये एंगल जीरो, अगला एंगल इज पाई बाई टू, अगला एंगल इज पाई, दिस एंगल इज थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे टू पाई, देन फाइव पाई बाई टू, इधर माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, माइनस फाइव पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई, सिमिलरली माइनस सेवन पाई बाई टू, इस टाइप से चलता रहेगा, है ना। और हमें दिख रहा होगा कि सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया है। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है टेन एक्स जो होता है वो होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। अच्छा बताओ, जिस टाइम पे कॉस एक्स जीरो हो जाएगा क्या उस टाइम पे टेन एक्स का वैल्यू डिफाइंड होगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। और कॉस एक्स जीरो कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। अच्छा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे कॉस एक्स जीरो होता है। हाँ, तो कॉस एक्स अगर जीरो होता है तो टेन एक्स अनडिफाइंड हो जाता है। हाँ, और अनडिफाइंड होता है इसीलिए वहां पे ग्राफ बनेगा ही नहीं। ओके, इसीलिए मैंने क्या किया, एक डॉटेड लाइन बना दिया। अच्छा, तो अब हमें याद रखना है टेन थीटा जीरो पे जीरो होता है, पाई बाई टू पे इन्फिनिटी जाएगा, माइनस पाई बाई टू पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सिमिलरली ये ग्राफ सेम टू सेम बार बार रिपीट होता जाता है। ओके, इसी टाइप का ग्राफ चलता रहेगा। बहुत ही प्यारा सा ग्राफ है, डांसिंग ग्राफ इसको बोलते हैं। ठीक है, डांस करता हुआ अपना जा रहा है इस टाइप से। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ कुछ कि टेन थीटा जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। टेन थीटा जीरो वहां पे हो रहा है जहां साइन थीटा ऑलरेडी जीरो है। अच्छा, तो साइन थीटा कहाँ जीरो था, एन पाई पे, तो टेन थीटा भी कहाँ जीरो होगा, एन पाई पे। अच्छा, क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है, बोलेंगे हाँ पीरियोडिक दिख रहा है मुझे। पीरियोडिक कैसे दिख रहा है, सेम ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। अच्छा, कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पाई इंटरवल के बाद, टू पाई इंटरवल नहीं, पाई इंटरवल के बाद टेन एक्स के ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज पाई। नेक्स्ट, टेन थीटा इज अनडिफाइंड व्हेन। बताओ भाई, टेन थीटा अनडिफाइंड कब होता है, टेन थीटा तब अनडिफाइंड होता है जब कॉस थीटा जीरो होता है। और कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा क्या हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, जहां पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। रेंज बताओ भाई, रेंज तो यहाँ पे दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू ले रही है टेन थीटा। दिस मीन्स इसका रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब कुछ। ओके, ये भी याद रख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो ग्राफ हमें याद रखना है, वाई इज इक्वल टू कॉटेक्स का ग्राफ। वाई इज इक्वल टू कॉटेक्स का ग्राफ को देखो, सेम टू सेम मैंने बनाया है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। दिस इज जीरो, यहाँ पे पाई बाई टू, इधर पाई। इस बार देखो डॉटेड लाइन कहाँ बना हुआ है, जहाँ पे पाई है, टू पाई है, थ्री पाई है, फोर पाई है, इधर माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, बीच में क्या होने वाला है, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, दिस इज सेवन पाई बाई टू। ओके, और इधर माइनस पाई बाई टू, सिमिलरली माइनस थ्री पाई बाई टू, सिमिलरली माइनस फाइव पाई बाई टू। अच्छा, क्योंकि कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन कॉस, सॉरी कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अच्छा, जहां जहां साइन एक्स जीरो होगा वहां कॉट एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे डॉटेड लाइन दिया हुआ है। ओके, तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इस तरीके से बनेगा इसका, इधर से ये डांसिंग करेगा, ठीक है, इधर फिर से इधर इधर, ये ग्राफ खुद को बार बार फिर से रिपीट कर रहा है। दिस मीन्स ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ओके, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो बताओ पीरियड कितना है, तो पाई, मैं बोलूंगा हर एक पाई इंटरवल के बाद ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है। ओके, कॉट थीटा जीरो कहां हो रहा है, कॉट थीटा जीरो वहीं पे होगा जहां कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो कहां पे हो रहा है, सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे, जहां पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। कॉट थीटा इज अनडिफाइंड, कहां पे अनडिफाइंड होगा, जहां साइन थीटा जीरो हो जाएगा, डेट इज एन पाई पे। ओके,
रेंज क्या होने वाला है, तो सारा ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो ये भी याद रख लिया। सिमिलरली हमें कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स का भी ग्राफ याद रखना है। कॉसेक्स का ग्राफ कैसा बनता है, तो मैं बोलूंगा एक सेकंड के लिए याद करो मैंने साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनाया था। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है ना, मैंने डॉटेड बनाया क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ ऑब्वियसली नहीं बना रहे हम लोग। ओके, इधर से जाएगा। सिमिलरली इधर क्या होने वाला है, ऐसा कुछ। ओके, अभी मैंने बोला कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है वो एग्जैक्टली साइन एक्स का मिरर इमेज टाइप बना दो। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, इधर ऊपर आएगा, फिर इधर नीचे आएगा, फिर इधर ऊपर आएगा, इधर नीचे, इधर ऊपर, इधर नीचे। अच्छा, जो भी डॉटेड लाइन है मतलब वहां पे साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है, डेट इज पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, इधर माइनस पाई, सॉरी दिस इज जीरो, दिस इज पाई, दिस इज टू पाई, दिस इज थ्री पाई। ओके, तो यहाँ पे माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, ऐसा कर दिया, और बीच वाला वैल्यू पाई बाई टू, दिस इज थ्री पाई बाई टू। तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, इसका भी नोट याद रख लिया। दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक, और ये कितने बार के बाद रिपीट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा टू पाई के बाद। सो ये ग्राफ टू पाई के बाद रिपीट करता है, इसलिए इसका पीरियड कितना हो गया, टू पाई। अच्छा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉसेक थीटा जीरो कब होता है, वेन थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं मुझे दिख नहीं रहा कॉसेक थीटा कहीं, तो जीरो है ही नहीं। कॉसेक थीटा या तो ऊपर ही रह गया या तो नीचे ही रह गया, दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू फाइव, नो एनी थीटा। कॉसेक थीटा इज अनडिफाइंड वेन, जहां पे साइन थीटा जीरो हो जाए, डेट इज एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज कितना होगा कॉसेक थीटा का, तो दिख रहा है ये वैल्यू इज वन, ये वैल्यू इज माइनस वन, तो या तो वन से हमेशा ऊपर रह रहा है या तो माइनस वन से नीचे। उसको लिखेंगे कैसे, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक रह रहा है, यूनियन वन से लेकर के इन्फिनिटी तक। ओके, तो रेंज ऑफ कॉसेक थीटा इज दिस, इसको भी याद रखा। सिमिलरली हम लोग कॉसेक थीटा के साथ सेक थीटा का भी ग्राफ बना सकते हैं। अभी बताओ सेक थीटा का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा का ग्राफ बनाऊंगा। अच्छा, कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का कुछ कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा। ओके, अब कॉस थीटा का ग्राफ बन ही चुका है, तो मैं सेक थीटा का ग्राफ बना देता हूं, सबको पता चल चुका होगा अभी तक। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा कुछ, इस ग्राफ को हमें याद रखना है सिंपली। ओके, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये वैल्यू बता दो, ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, अगला थ्री पाई बाई टू है जहाँ अनडिफाइंड है, अगला फाइव पाई बाई टू है जहाँ पे अनडिफाइंड, अगला सेवन पाई बाई टू है, और बीच में वैल्यू आएगी पाई, टू पाई, थ्री पाई, वो वाली। अच्छा, इधर माइनस पाई बाई टू है, इधर माइनस थ्री पाई बाई टू है, और माइनस फाइव पाई बाई टू है, इसी तरीके से माइनस सेवन पाई बाई टू टाइप है। ओके, तो अब मुझे दिख रहा है कि sec x का भी ग्राफ क्या है, पीरियोडिक है। तो बताओ पीरियड कितना है, बोलूंगा 2 पाई, 2 पाई के बाद ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है। अच्छा, sec थीटा 0 कहां हो रहा है, कहीं भी नहीं, थीटा इज इक्वल टू 5। sec थीटा अनडिफाइंड कहां पे हो रहा है, मैं बोलूंगा जहां cos थीटा 0 होता है, cos थीटा 0 कहां होता है, 2n + 1 पाई बाय 2 पे। ओके, रेंज कितना है cos थीटा का, sec थीटा का, तो बोलूंगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये रेंज भी याद रखा हमने। तो इतना ग्राफ, छह ग्राफ हमें याद रखना है। इस ग्राफ के बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये होता है कि अगर मैं एक ही एक्सिस पे y इज इक्वल टू x लाइन बनाऊ, दिस इज y इज इक्वल टू x लाइन, जो कि एक्सिस को बीचों बीच बाइसेक्ट करती है। ओके, और मैं अगर y इज इक्वल टू टेन एक्स एंड साइन एक्स दोनों ग्राफ बनाऊ, दिस इज सपोज पाई बाई टू एंड दिस इज सपोज माइनस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाने का सोचू, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो है साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस वाई इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ के नीचे से निकलेगा और इधर ऐसे निकलेगा, एंड टेन एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे ऊपर से ही निकलेगा। ओके, और इधर ऐसा। तो ये ब्लू वाला किसका है, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ है। ये ब्लैक वाला किसका है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का। एंड रेड वाला किसका है, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स का। तो ये मुझे याद होना चाहिए, अगर ये एंगल जीरो है तो कुछ देर के लिए मैं ऐसा बोलूं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू। अभी बताओ जीरो से पाई बाई टू में बड़ा कौन है, तो मैं बोलूंगा टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। अच्छा, ये रिलेशन भी लिख सकते हैं। ओके, ये याद रख लिया।
सिमिलरली दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर मैं एक ही ग्राफ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों का बनाऊ ग्राफ, दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज पाई, जीरो से पाई के बीच में अगर मैं बनाता हूं तो मुझे दिखेगा कि साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। ओके सपोज दिस इज पाई, एंड जब कॉस थीटा का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनने वाला है, सपोज दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज पाई। ओके तो मुझे यहां पे दिख रहा होगा कि यहां जहां कट किया है इन दोनों ने, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन अपॉन रूट टू, ये टॉप वाली वैल्यू वन। अच्छा यहां पे एंगल कितना होगा, तो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली पाई बाई फोर होगा, ये एंगल कितना है पाई बाई टू पे वन। अच्छा तो मुझे दिख रहा है कि अगर एक्स, ये रेड वाला किसका है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का, पहले लिख लेते हैं, ये ग्रीन वाला किसका है, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का। अच्छा मैं अगर बोलूं एक्स अगर जीरो से पाई बाई फोर के बीच में है तो बताओ कौन बड़ा है, तो मैं बोलूंगा कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर आ रहा है साइन एक्स से, देयरफॉर वी कैन से दैट कॉस एक्स विल बी ग्रेटर देन साइन एक्स। मतलब कोई भी एंगल ले लो जो जीरो से पाई बाई फोर के बीच में है तो उस टाइम पे हमेशा कॉस एक्स का वैल्यू साइन एक्स से बड़ा होने वाला है। अच्छा अगर मैं पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में जाओ तो मैं बोलूंगा पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में जाना चाहते हो, जीरो पे क्लोज कर लेते हैं, पाई बाई फोर पे ओपन, क्योंकि पाई बाई फोर पे दोनों इक्वल है। तो इसके बीच में मुझे दिखेगा कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स, ये भी याद रखा। ठीक है तो इस वीडियो में हमने बेसिकली क्या किया, जितने भी ग्राफ्स हैं सारे ग्राफ्स को हमने एनालाइज किया, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, सबके ग्राफ को याद रखा, सबका रेंज याद रखा, सबका डोमेन याद रखा। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखें कि वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया जाए अगर, तो टेन एक्स का ग्राफ हमेशा सबसे ऊपर होगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बीच में आएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सबसे नीचे होगा। सिमिलरली दूसरा ऑब्जर्वेशन भी हमने देखा कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ अगर एक ही ग्राफ में बनाया जाए तो मुझे दिख रहा होगा कि कॉस एक्स बड़ा होगा साइन एक्स से जब एंगल जीरो से पाई बाई फोर के बीच में हो, साइन एक्स बड़ा होगा कॉस एक्स से जब एंगल पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में हो। ओके तो इतना हमने याद रखा।